करते हैं यूपी की राजनीति की, जहां बीजेपी ने बूथ अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी यूपी के हर पोलिंग बूथ के लिए 21 कार्यकर्ताओं की टीम बना रही है, जो वहां पार्टी की जीत की जमीन तैयार करेंगे। बीजेपी ने इसी रणनीति को अपनाकर 2014 के लोकसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल की थी और वो 2022 में फिर उसी फॉर्मूले को अपनाने जा रही है। आज मुझे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी के बूथ विजय अभियान की शुरुआत की। इसका लक्ष्य यूपी के हर पोलिंग बूथ पर बीजेपी की राजनीतिक जमीन को मजबूत करना है। जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि बूथ जीतोगे तो चुनाव भी जीतोगे। हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी कैबिनेट के कई मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बूथ विजय अभियान की शुरुआत के कार्यक्रम में शामिल हुए। अब समझिए कि आखिर बीजेपी का बूथ विजय अभियान है क्या। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जिस रणनीति के जरिए यूपी में 80 में से 73 सीटें जीती थी, एक बार फिर उसी चुनावी रणनीति के सहारे बीजेपी 2022 के चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने एक बूथ पर 21 लोगों की जिम्मेदारी तय की है। अपने आप में यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर किसी बूथ पर 5 से 10 कार्यकर्ता ही लगाए जाते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर अपनी तैयारी पूरी कर लेना चाह रही है। यूपी में एक बूथ पर औसतन 800 से 1000 मतदाता होते हैं, यानी बीजेपी के एक बूथ सदस्य के पास लगभग 38 वोटों की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, 5 से 7 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र भी बीजेपी ने तैयार किया है। इस शक्ति केंद्र के एक सेक्टर प्रभारी और एक सेक्टर संयोजक भी बनाए गए हैं। वहीं 10 से 12 शक्ति केंद्र पर एक मंडल प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। एक मंडल में लगभग 60 से 70 बूथ आते हैं। 2013 में अमित शाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी बनाए गए और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त सुनील बंसल को संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। दरअसल इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट पर काम शुरू कर दिया और इस बार भी सुनील बंसल बूथ मैनेजमेंट को लेकर काफी एक्टिव है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चुनावी मैनेजमेंट और कैंपेन को लेकर पार्टी के साथ चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि बहुत जल्द स्वतंत्र देव सिंह यूपी के सभी जिलों के दौरे पर निकलेंगे और बूथों की समीक्षा भी करेंगे। जैसे एक एक बूंद से सागर बनता है, वैसे ही एक एक बूथ से कोई भी पार्टी जीतती है या हारती है। यही कारण है कि बीजेपी भी अब पूरी ताकत बूथ पर लगा दे रही है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी अपने पुराने मॉडल के जरिए 2022 में पुराना करिश्मा दोहरा पाएगी। कैमरामैन धीरेंद्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो चलिए फिलहाल इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए।